ब्रेक क्लच ठीक है ना, एक बार समझा दे मेरे को फटाफट रेस ब्रेक क्लच काटना ठीक है। ए बी सी हाँ, एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच, लेफ्ट पैर क्लच पे रखना है और राइट वाले पैर से रेस ब्रेक दोनों को ऑपरेट करना ठीक है ना। जब क्लच दाबना है तो रेस नहीं देना है, जब रेस देना है तब क्लच छोड़ देना पूरा ठीक है। और ये आप यहाँ पे देखिए इंडिकेटर ठीक है, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर पता ही आपको ठीक है ना। और ये बीच में हॉर्न हो गया आपका हॉर्न ठीक है, इंडिकेटर एक बार लगा के देख लो लेफ्ट ऊपर राइट नीचे बीच में हॉर्न हो गया ठीक है। शीशा भी सेट ठीक है, ये हो गया शीशा भी देखिए ठीक है ना। चलो क्लच आपके पास गियर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, नहीं वो क्लच आउट करने से ही बता दीजिए क्लच दाब लो, लेफ्ट पैर से क्लच दाब लो पूरा ठीक है। अब ये गियर समझ लो ठीक है ना, ये अभी बीच में सेंटर में न्यूट्रल में ठीक है ना, लेफ्ट लेके आगे फर्स्ट गियर और लेफ्ट दबे दबे पीछे को आएंगे तो सेकंड गियर, बीच में न्यूट्रल, सामने थर्ड, पीछे फोर्थ, बीच में न्यूट्रल ठीक है ना। राइट लेके आगे फिफ्थ गियर और पीछे राइट लेके पीछे को बैक गियर, बीच में फिर ये न्यूट्रल ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ से ये पूरा न्यूट्रल है ठीक है ना। तो आप पहला का डाल के दिखाओ, ये सेकंड गियर डालने के लिए सीधा पीछे ठीक है, बीच में आराम आराम से आगे थर्ड, पीछे फोर्थ और पीछे, और पीछे आएगा फोर्थ और पीछे ये फोर्थ है, फिर बीच में करो ये न्यूट्रल पूरा राइट लेके आगे करो फिफ्थ तक, हाँ फिर न्यूट्रल और बीच में फिर पीछे करके हाँ और राइट लेके पूरा हाँ ये बैक, फिर बीच में करो हाँ ये न्यूट्रल ठीक है। अब ये हैंड ब्रेक है ठीक है, इसको डाउन कर लो ठीक है। अब स्टार्ट कर सकते हो, चाबी पकड़ो गाड़ी का, हाँ थोड़ा आगे दाब कर दूंगा, छोड़ दो छोड़ दो ठीक है, ज़्यादा लंबा चाबी नहीं मारना सेल्फ खराब हो जाएगा ठीक है ना। अब मिरर सेट कर लियो ना, देखो तीनों मिरर पीछे देखो दिख रहा है ना, ये ऊपर भी है इधर भी ठीक है। चलो क्लच दाब के लगाओ फर्स्ट गियर, जब गियर डालते हैं तो देखते नहीं है, सामने देखोगे रोड पे ठीक है, और गियर को देखने लगोगे तो फिर आगे फिर संभालना भी तो है ना। अब क्लच को छोड़ो धीरे धीरे, फर्स्ट गियर में क्लच हमेशा थोड़ा सा छोड़ते हैं ठीक है। चलो क्लच छोड़ो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा भाई इतना सा ठीक है। अब मेन रोड पर देखो उधर गाड़ी तो नहीं आ रही ना, इधर मेन रोड पर देखो, इधर भी देखो, या फिर क्लच दाब के क्लच दाब लो पूरा, ब्रेक पे पैर रख लो राइट वाला पैर से पास, फिर एक बार राइट देखो उधर कोई आ तो नहीं, राइट से लेफ्ट देखो इधर कोई नहीं आ रहा ठीक है। चलो अब इंडिकेटर लेफ्ट कर लो ऊपर, चलो क्लच छोड़ो धीरे धीरे लेफ्ट को मोड़ो, इधर क्लच छोड़ो धीरे धीरे मोड़ो 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 आओ ठीक मोटर ठीक है ठीक है ठीक है। अब हाथ को सीधा करो अपना, क्लच दाब के दूसरा का लगाओ, दूसरा का पीछे को हाँ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, क्लच छोड़ो सीधा जाएंगे सीधा जाएंगे हाँ क्लच छोड़ो, जब सीधा जाएंगे तो अपने व्हाइट लेन के अंदर चलना है ठीक है ना, और टर्न है तो उधर भी देखना है ठीक है। छोड़ो क्लच पूरा, क्लच छोड़ दो नहीं क्लच छोड़ो, हाँ क्लच छोड़ के हल्का रेस दो पहले, क्लच छोड़ो पूरा दो रेस स्पीड दो, थोड़ी और तेज करो रेस छोड़ दो, क्लच दाब लो तीन नंबर गियर आगे करो जैसे, क्लच छोड़ दो पूरा ठीक। अब शीशा में देखते रहो जैसे पीछे से गाड़ी आ जाती है एकदम से ठीक है ना, तो एकदम पास में आ जाएगी तो आप घबरा जाओगे, पहले ही थोड़ा सा पहले ही देख लिया करो ऊपर मिरर में ना, ये देखो ऊपर मिरर लगा हुआ है ठीक है। दूसरा का लगाओ सेकंड का लगाओ, सेकंड का छोड़ो क्लच धीरे धीरे, क्लच छोड़ो ऐसे छोड़ो, क्लच छोड़ो आगे से राइट जाना है ठीक है ना, इंडिकेटर नीचे राइट कर दो, पीछे शीशा में देखो कोई आते नहीं जाना, या स्पेस गैप मत देना नहीं तो पीछे से कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा। क्लच को दाब लो पूरा, क्लच दाब और राइट देखो गाड़ी आ रही है देखो पूरा ठीक है, आ रही है तो फिर यहाँ पे आके धीरे से रोक लगा दो और फर्स्ट गियर लगा लो, एक नंबर गियर लगाओ जहाँ रुकी है वहाँ फर्स्ट गियर ठीक है। राइट देखो एक बार पूरा, ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक नहीं दबा के रखेंगे, ब्रेक छोड़ दो क्योंकि चलना है ना, सिर्फ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, छोड़ो क्लच को छोड़ो, क्लच क्लच छोड़ो ना क्लच छोड़ो, हाँ बस देखो उधर राइट को पूरा। अब लेफ्ट भी देखो, इधर लेफ्ट देखो, दूसरा गियर लगा लो, गियर लगाओ दूसरा, छोड़ो क्लच, और इसको ना डिवाइडिंग के साथ क्लच छोड़ो पूरा, हाँ बस बिल्कुल डिवाइडिंग के साथ मोड़ेंगे ठीक है, कि जो पीछे से कोई आ रहा है ना तो उधर से आए तो बच जाए ठीक है। लेफ्ट ऊपर दो पूरा, अब लेफ्ट मिरर देखो, कई लोग बिना मिरर देखे ऐसे मोड़ देते हैं, मोड़ो पूरा इसको बिल्कुल ठीक मोड़ो, हाँ बस क्लच छोड़ो सीधा करो पूरा, तो राइट जाना है तो हमको यहाँ बीच में खड़ा होना है ठीक है, जब हमारे कोई पीछे से आ रहा है वो लेफ्ट से निकल जाए, छोटा गियर लगा लो, दो नंबर गियर लगाओ, हर मोड़ पे दो नंबर गियर लगाया करो ठीक है, मोड़ो मोड़ते रहो धीरे धीरे, देखो दोनों तरफ, इधर देखो उधर देखो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, हाँ क्लच छोड़ो क्लच छोड़ो क्लच छोड़ो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक। एक बार और देख लेते हैं कोई पीछे से नहीं तो आया, शीशा देखो एक बार फिर से लेफ्ट मिरर, इसमें दो रेस सामने सीधा रखो, हाँ न्यूट्रल कर लो ठीक है। अब टाइमर देखते रहो वहाँ पे ठीक है ना, अभी कितना 42 सेकंड चल रहा है, तो जब 10 सेकंड आएगा तो आप पहला गियर लगा के तैयार हो जाना ठीक है ना। और ये स्लिप रोड है, इस पर नहीं खड़ा होते हैं,
इस पे जाने के लिए होता है, कई लोग इसी पे खड़े हो जाते हैं। ये फ्री होता है, ये फ्री होता है। चंडीगढ़ में तो ऐसे हर जगह स्लिप रोड मिलेगा आपको, तो इस रोड पे नहीं खड़ा होना। देखो यहाँ पे ये कोई खड़ा नहीं होता है, कई लोग कोई गलती से आके खड़ा हो जाता है, उसको पता नहीं होता है, ठीक है। और ऊपर टाइम का ध्यान दो, हमको सीधा जाना है, ठीक है ना, इसलिए हम इस ट्रैक पे खड़े हैं। अगर हमको राइट जाना होता तो हम उस लाइन में खड़े होते, बिल्कुल ठीक है। चलो तो आपका फर्स्ट गियर लगाओ। कई लोग गलती कर देते हैं कि जिनको राइट जाना होता है वो लेफ्ट में खड़े हो जाते हैं, तो बाद में फिर दिक्कत होती है पीछे वाले को, ठीक है ना। अगर सीधा जाना है तो आपके लिए ये सही है, राइट जाना तो उधर खड़े हो जाना। चलो क्लच छोड़ो धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक। देखो अब इधर से गाड़ी आएगी, देख रहे हो ना, शीशा देखना बहुत जरूरी है। क्लच छोड़ो धीरे धीरे, छोड़ो क्लच, क्लच छोड़ धीरे धीरे। हाँ दो रेसर देखिए निकालो फटाफट। ऊपर टाइम भी देखो 6-7 सेकंड है, ठीक है। अरे ज़्यादा भी नहीं देना, बस टाइमर के हिसाब से निकल जाना। इधर साइड रोड भी देखना, ठीक है, साइड रोड, ठीक है। पीछे गाड़ी भी आ रही है, इससे लेते रहो। अरे छोड़ो क्लच, आप लोग थर्ड गियर लगाओ। समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अब रेस छोड़ दो, स्पीड कम करो, लेफ्ट ऊपर देंगे ट्रक। अब जो लेफ्ट जाएगा वो लेफ्ट लेन पे ही रहेगा, जिसको राइट जाना है वो डिवाइडर के साथ मोड़ेगा, ठीक है। चलो मोड़ो धीरे धीरे, आराम से मोड़ते रहो, और मोड़ो थोड़ा सा और, बात बहुत बढ़िया मोड़े हो, ठीक है। अब क्लच को छोड़ दो, शीशा में देखो उधर कोई है, गाड़ी है ना, अगर दूर है तो निकाल लो, थोड़ी दूर है तो भगा के निकाल लेते हैं, ये नहीं कि उसको देखते ही रहेगा, ठीक है। अगर उसको निकलने का मन नहीं है तो पीछे रहेगा, ठीक है। अब सीधा चलना नहीं, यहाँ से राइट नीचे निकट दो, पीछे आप गाड़ी को पास दे दो जो आ रही है उसको जगह दो। क्लच आओ, क्लच आओ, दो नंबर गियर लगाओ, दो नंबर गियर ले लो, मोड़ से पहले लगाओ, ठीक है। अभी नहीं है, मोड़ो धीरे से, मोड़ो राइट टर्न, रेस मत देना मोड़ पे कभी भी। अब क्लच छोड़ो अपना धीरे धीरे, अब रेस देना शुरू करो, क्लच छोड़ दो, छोड़ो पूरा, अब रेस दो। यहाँ से हम सीधा ही जाएंगे, तो छोटा गियर लगा लो यहाँ पे, स्लो करके चारों तरफ देखो, एक तरह से चौराहा भी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्लच छोड़ो और थोड़ा उधर करके, हाँ ठीक है, क्योंकि इधर से दोनों तरफ से गाड़ी आती है, ठीक है। अगर आती है तो क्लच दाब के आप ब्रेक पर पैर रख के प्रॉपर देख लो आराम से, अगर रुकना होगा तो रुक भी जाएंगे, ठीक है। और हॉर्न भी देते रहो, रिक्शा रेडी साइकिल वाले जो आ रहे हैं। स्पीड कम, स्पीड अपना स्लो ही रखना है, सीखने के लिए स्लो स्पीड सही होता है। अगर ज़्यादा तेज रेस दोगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने में। अब ये जो गोल चक्कर आ रहा है ना, इस गोल चक्कर से हम सीधा ही जाएंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर कहाँ दोगे, राइट नीचे दो, हाँ पहले राइट दे दो, क्लच दाब लो पूरा। और गोल चक्कर पर हमेशा स्पीड 30 की स्पीड होनी चाहिए, 20 या 30 की, ठीक है। राइट देखो, फॉर्चुनर आ रही है ना, अब मत देखो उधर, अब सामने देखो, ठीक है। हम आगे निकल गए, इंडिकेटर लेफ्ट ऊपर दे दो, लेफ्ट देखो, इधर देखो ऑटो आ रहा है, क्लच दाब लो। मान लो अगर ऑटो वाला पहले आ रहा है, पहले यही जाएगा, ठीक है, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो। लेकिन राउंडल पर क्या है कि जो राइट साइड से आता है ना वो पहले जाता है, ठीक है, पहले उसको जाने देंगे। क्लच दाब के रेस कम हो जाती है, हाँ क्लच दाबने से रेस मत देना, ठीक है, रेस छोड़ना ही पड़ता है जब क्लच दाबते हैं तो, ठीक है। पूरा इतना स्पीड कम ही होगी पर थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब लेफ्ट टर्न मोड़ना है तो धीरे धीरे मोड़ो, 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 राइट भी देखो, उधर देखो, उधर उधर रोड देखो पहले, हाँ छोड़ो क्लच, उधर नहीं देखोगे तो जो उधर से आएगा वो टक्कर हो जाएगी। यहाँ से स्ट्रेट या फिर यहाँ से सीधा ही जाएंगे, ठीक है। दो रेस रेस छोड़ो, क्लच दाबो, तीन नंबर गियर लगाओ, और उस साइड भी देखना, तो उधर से कोई आ तो नहीं रहा ना। अब ये ना मोड़ आ रहा है, देख रहे हो ना, तो अब सीधा जा रहे हो, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, तो इसको देख लिया करो, छोटा छोटा हॉर्न दे दिया करो, ठीक है। सिटी के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि अचानक ही कोई ना कोई निकल के आ जाता है। और यहाँ से लेफ्ट जाएंगे हम, ठीक है। इंडिकेटर ऊपर तो क्लच दाब लो, दो नंबर गियर लगा लो, और लेफ्ट टर्न छोटा मोड़ना, मतलब लेफ्ट साइड अपने ही तरफ मोड़ो, मोड़ो इसको बिल्कुल पास में मोड़ो, और मोड़ो, हाँ बिल्कुल ठीक। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मोड़ काट देते हैं, ठीक है ना। छोड़ो क्लच, क्लच छोड़ो, और राइट बड़ा, हाँ राइट बड़ा होगा, राइट टर्न बड़ा होगा और लेफ्ट टर्न छोटा होगा, ठीक है। रे छोड़ो क्लच, आओ, राइट टर्न बड़ा इसलिए होता है कि राइट साइड में जब मोड़ते तो अपनी साइड राइट साइड थोड़ा आगे जाकर उस साइड मिलती है, लेफ्ट साइड मोड़ते तो पास में अपनी साइड मिल जाती है, ठीक है ना। अभी अपना लेफ्ट साइड का वहाँ पे ग्रीन आएगा तब हम लेफ्ट को जाएंगे, वो टाइमर पे देखते रहो। क्लच दाब लो, पहला का लगाओ, फर्स्ट ईयर लगाओ, ठीक है। अब मोड़ो इधर पे थोड़ा, इधर स्टेरिंग को इधर मोड़ो, मोड़ो, देखो सिग्नल आ गया, ऊपर देखो सिग्नल आ गया, उधर भी देखो कोई याद नहीं आना। कई बार क्या होता है कि सिग्नल में कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो क्लच दाबो, दूसरा का लगाओ, क्लच दाबो, टू का लगाओ, क्लच छोड़ो, छोड़ो क्लच। और जब गियर डालते हैं तो नीचे मत देखो, सामने रोड पे देखना है, ठीक है, गियर पर नहीं ध्यान देना। ले छोड़ो क्लच दाबो, तीन नंबर गियर लगाओ, छोड़ो क्लच। जैसे मान लो वहाँ पे ऑटो खड़ा है, देख रहे हो ना, तो जब ऑटो खड़ा है तो पीछे पहले ही देख लो कि कोई है नहीं ना, जब पीछे कोई नहीं है तो पहले ही राइट ले लो, ठीक है। नहीं तो फिर पास में चले जाओगे, पीछे कोई गाड़ी आ जाएगी, फिर उधर नहीं जा पाओगे आप। तो जब लेफ्ट साइड में कोई खड़ा होता है तो पहले ही आप देख लो कि हाँ पीछे कोई है नहीं ना। कई लोग क्या करते हैं, तब पास में जब चले जाते हैं तब देखते हैं, तब तक पीछे से गाड़ी आ जाती है। अब ये राउंड अबाउट देख रहे हो ना,
इस गोल चक्कर से हमको सीधा जाना है। तो जब सीधा जाएंगे तो हम पहले इन्वर्टर कहाँ देंगे यार, राइट देंगे, राइट दे दो और गियर छोटा गियर लगा लो, दो नंबर गियर। स्पीड आपकी 20-30 की होनी चाहिए यहाँ पे। अब पूरा राइट को देखो, उधर गाड़ी आ रही है, ठीक है, पहले वो जाएगा जो राइट से आ रहा है, ठीक है। अगर दूरी बनता है तो फिर आप निकल सकते हो, ठीक है, छोड़ो क्लच, जैसे अब पीछे हो गया तो आप निकल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर गोल चक्कर के साथ साथ चलो, इन्वर्टर ऊपर लेफ्ट दो, इधर देखो कोई है, ऑटो बहुत दूर आ रहा है, निकाल लो, लगा लो क्लच, होगा थोड़ा सा तेज कर लो, बहुत अच्छा है, आ जाओ आ जाओ, बस अब रेस ज़्यादा भी नहीं देना, उससे थोड़ा तेज निकलना है, इतना ओवर रेस भी नहीं मारेंगे। रेस छोड़ो क्लच, डालो थर्ड गियर लगाओ, छोड़ो क्लच, शीशा में देखो पीछे गाड़ी आ रही है। कई बार क्या होता कि एक गाड़ी ओवरटेक कर दी तो उसके पीछे आके तीसरा भी ओवरटेक करने लगता है, तो जब कोई ओवरटेक कर रहा है तो वहाँ पे तीसरे को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अरे छोड़ो खुला था, फोर्थ के लगाओ पीछे, ठीक है, उठ गया, गियर सही लगा रहे हो। अब शीशा में देखो पीछे कोई है, नहीं है, अब पीछे कोई नहीं है तो हम राइट चले जाएंगे। क्यों जा रहे हैं राइट पता है, देखो यहाँ पे कट मोड़ आ रहा है, मोड़, इस मोड़ में क्या है ना कोई अभी इधर से निकल के आ जाएगा, तो फिर हम इधर भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले इधर चले जाओ। और देखो एक गाड़ी पीछे से लेफ्ट साइड से निकल इधर गई ना, तो अगर इधर चले गए फिर इधर से इधर आना है ना, तो ये मिरर देख के इधर आना है। कई बार उधर चले जाओगे फिर एकदम इधर भाग के आओगे तो पीछे जो गाड़ी आ रही है वो मार देगी, ठीक है। अब गियर तीसरा करो, तीन नंबर गियर लगाओ, इन्वर्टर राइट नीचे दो, राइट नीचे दो इन्वर्टर, देखो यहाँ पर हम थर्ड गियर में निकल जाएंगे लग रहा है, कोई है ही नहीं है, ठीक है ना। क्लच छोड़ दो, पूरा क्लच छोड़ दो, इन्वर्टर ऊपर दो लेफ्ट का, लेफ्ट ऊपर इन्वर्टर, इधर देखो, इधर देखो कोई है, कोई नहीं है, बस एक बार देखे फिर निकल गए, ठीक है। ये राउंडर बहुत जरूरी है समझना, राउंडर में कई लोग ना कंफ्यूज जाते हैं, इन्वर्टर किधर देना है, देखना किधर है, किधर इन्वर्टर देते हैं उधर ही देखते हैं। जैसे कि हम पहले गोल चक्कर पर जाते हैं ना तो राइट इन्वर्टर देते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ राइट से आती है और राइट साइड देखना भी होता है, थोड़ा आगे जाके हम लेफ्ट दे देंगे, लेफ्ट देखे फिर लेफ्ट साइड देखना होता है, जो गाड़ी आ रही है क्लच दाब के ब्रेक पर पैर रख के देखो, अगर वो स्लो आ रहा है फिर निकल जाओ, तेज आ रहा है फिर रुको, रोक लो वहीं पे आप, राइट नीचे इन्वर्टर दो, राइट नीचे दो, क्लच दाब लो पूरा, क्लच दाबो, यहाँ से यू टर्न मारना है, रेस मत देना, रेस बिल्कुल नहीं दो, सेकंड गियर रेस बंद कर लो, सेकंड गियर लगा लो, पूरी गाड़ी घुमा दो वापस, घुमा दो घुमाओ, यहाँ वेट करो, देखो सामने गाड़ी आ रही है, फर्स्ट गियर लगाओ, एक नंबर गियर लगाओ, हाँ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, बहुत दूर है, निकल जाओगे, जाओ जाओ बिल्कुल ठीक, इधर देख लो, हाँ ठीक है, अब अपने हाथ को धीरे से सीधा करो, यहीं पर सीधा करो, हाँ क्लच दाब के सेकंड गियर लगाओ, क्लच दाबो सेकंड गियर, ठीक है, क्लच छोड़ो, अब पीछे पीछे देखना था, ठीक है। गोल चक्कर से हम राइट जाएंगे, ठीक है ना, अब इस गोल चक्कर से हम राइट जाएंगे तो इंडिकेटर कहाँ लगाओगे, राइट नीचे देंगे, मैं बताया था राइट दे दो, क्योंकि राइट से गाड़ी आती है। अब देखो वो गाड़ी अगर हमसे दूर है तो फिर निकल जाना, पास होगी तो फिर हम स्लो हो जाएंगे। अब क्लच छोड़ो, छोड़ो क्लच छोड़ो धीरे धीरे, चलो गोल चक्कर के साथ साथ, अब जगह जैसे ब्लो कर लेते हैं कि पीछे वाला ना घुसे इसके अंदर, ठीक है। अब इधर लेफ्ट साइड देख रहे हो, चलते रहो, इधर प्रदेश नहीं देना, चलो रखो। अब यहाँ इंडिकेटर लेफ्ट ऊपर दे दो, लेफ्ट किसके लिए देते हैं, जो इधर से गाड़ी आ रही है उसके लिए। अब ये अगर स्लो है तो तेज़ कर लो अपनी गाड़ी, अगर स्लो आ रहा है तो तेज़ कर लो फटाफट, तेज़ कर लो, आ जाओ आ जाओ, हाँ यहाँ अपनी साइड आना, वहाँ डिवाइडर के साथ मत चले जाना, और शीशा में देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है पीछे, आ गई, पता क्या ऐसे मतलब हम देख लेते हैं, मान लो अगर आ गई तो सेफ्टी है, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है ना, पर कई लोग बिना देखे इधर उधर चले जाते हैं, और बहुत लोग तो शीशा फोल्ड करके गाड़ी चलाते हैं, दोनों शीशा फोल्ड कर देते हैं। इंडिकेटर बंद कर लो, 40 से ऊपर फोर्थ गियर चलता है, ठीक है ना, 40 से नीचे स्पीड आएगा तो थर्ड गियर हो जाएगा, और जैसे रोड खाली है तो फोर्थ गियर भी चलेगा, जैसे आगे लग रहा है स्लो करना है तो क्लच दाब के गियर कम कर देंगे, 4 से 3 कर देंगे, अब 4 से 3 कर दो, रे छोड़ो क्लच दाब, 3 नंबर कर लो क्लच छोड़ो, दो रे सर ऊपर देखो लाइट ग्रीन है, ठीक है, अब स्पीड थोड़ी हम बढ़ा लेंगे अभी, ठीक है, लाइट भी ग्रीन है, वहाँ पर टाइमर चल रहा है, स्लो इतना तेज भी नहीं करना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल में ही जाना, टाइम ही तो रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। पीछे देखो कोई है तो नहीं ना, स्लो करके बस, टाइमर हमारे पास बहुत खराब है, ठीक है। और इधर साइड रोड भी देखना जरूरी है, साइड रोड स्लिप रोड बोलते हैं, इधर से गाड़ी बहुत ही स्पीड से आती है, बहुत कई लोग देखते नहीं है इस रोड को, साइड रोड तो देखना बहुत जरूरी है, स्पीड कम करो। अब फोर्थ गियर लगा लो, फोर्थ गियर 40 से, हाँ 40 एबव होते ही फोर्थ गियर लगा लो, क्लच छोड़ दो, और वो मिरर में देखते रहो, बार बार मिरर देखते रहो, चेक करते रहो, दोनों मिरर इधर और उधर दोनों मिरर। पहली बात है कि जैसे मान लो आपको उधर जाना है ना तो पहले वो मिरर देख लेना उस साइड, तभी उधर जाने ध्यान रखना, स्पीड कम करो, 3 नंबर गियर लगाओ, पड़ गया, अब मोड़ो धीरे धीरे लेफ्ट, हॉर्न दे दो, ऑटो वाला
अब मोड़ पे कभी भी गाड़ी खड़ा नहीं करना चाहिए, जैसे खासतौर से ऑटो वाले सबसे ज्यादा मोड़ पे ही गाड़ी खड़ा करते हैं, तो मोड़ से पहले खड़ा करो या मोड़ के बाद, बहुत लोग मोड़ पे ही खड़े हो गए खड़ा कर देते हैं गाड़ी को, गलत आप दूसरा का लगा लो आपको छोटा गैप है सर, रेस नहीं देना, जब गलत आम है तो रेस नहीं देना, आपसे ये गलती होती है जो रेस डाल देते हो क्लच के साथ साथ, और राइट देखो उधर ऑटो आ रहा है, हाँ देखो ऑटो वाला बिल्कुल पास में गया गया ना, वो उसको अपना सवारी देखना, देखो यहाँ सवारी खड़ी है, वो जाके फट से वही ब्रेक लगा देगा, तो ऑटो वाले से बच के और बस वाले से बच के, क्योंकि इनका कहीं भी रुक जाएंगे, कहीं भी सवारी चढ़ाएंगे उतार लेंगे, ठीक है। अब रेस छोड़ो क्लच आओ थोड़ गया, जब इंजन आवाज़ दे रहा है तो गियर को बड़ा कर लो, अब जैसे मान लो कि हमारे आगे बंदे चल रहे हैं, हमको राइट से जाना है, तो पहले मिरर देखेंगे कि राइट साइड पे अगर आ रहा है तो फिर तो मिल जाएंगे, अगर जैसे कोई नहीं है आप देखो राइट साइड जाके आप चेंज कर लो, और हमेशा ओवरटेक राइट साइड से करते हैं, बहुत लोग लेफ्ट साइड से घूम जाते हैं, ठीक है। रेस छोड़ो क्लच आओ चौथा गियर पीछे कर लो, छोड़ो क्लच, जब भी रेस देना है तो पहले क्लच ऊपर तक छोड़ देना, तो गाड़ी का क्लच पेट जल जाएगा, और गोल चक्का पे स्पीड कितनी होनी चाहिए हमारी 20 से 30, और जो पहले राइट आएगा उसको देंगे, पर यहाँ लाइट अपनी है तो राइट साइड से कोई आएगा नहीं, गियर छोटा कर लो, इंजेक्टर राइट का दे दो, राइट इंजेक्टर दे दो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, दोनों से दे दो, ठीक है। लेफ्ट ऊपर दो, लेफ्ट ऊपर दे देंगे, ठीक है। लेफ्ट हम जब देते हैं ना तो गोल चक्कर छोड़ देते हैं, गोल चक्कर के साथ जाने का मतलब राइट हो जाता है उधर, ठीक है। छोड़ो क्लच आओ, तीन नंबर लगाओ, छोड़ो क्लच, इंडिकेटर राइट नीचे दे दो, और हाथ सीधा रखना, ठीक है, शीशा में दोनों तरफ देख लो गाड़ी में, ठीक है। अगर इधर गाड़ी है तो थोड़ा उधर बढ़ जाएंगे, ठीक है, उधर है तो थोड़ा इधर आ जाएंगे, शीशा देखते रहो, ठीक है। अभी टाइम देखो 15 सेकंड है, हम निकल सकते हैं, ठीक है ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग है और मैडम जा रही थी, उनको थोड़ा देख के चलेंगे, ठीक है, ये बहुत स्लो चल रही है, रेस छोड़ दो, गोल चक्कर के साथ साथ चलो, गोल चक्कर के साथ साथ, ठीक है। लेफ्ट ऊपर दो, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, पहले उसको जगह देंगे, देखो पीछे एम्बुलेंस आ रही है, पहले इसको जाने देंगे, ठीक है, एम्बुलेंस को पहले रास्ता देंगे, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट दे दी तो सीधा आएंगे, नहीं तो फिर हम वहाँ दे देते तो उधर चले जाते उस साइड को, सीधा रखो वहाँ, पीछे गाड़ी आ रही है, देखते रहो, ये साइड रोड, स्लिप रोड, ये साइड रोड, सब देखना बहुत जरूरी है, ड्राइविंग करने का मतलब जितना साइड रोड देख रहे हो तो मतलब बहुत लोग ऐसे आते हैं रुकते नहीं है और सीधा ही रोड पे एंटर कर लेते हैं, उनका बनता है कि रुको और देखो तब चलो, पर मेन रोड पे लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, पटाखे चढ़ जाते हैं। रेस छोड़ो क्लच आओ, चौथा अगर पीछे करो, फोर्थ अगर पीछे करो, छोड़ो क्लच, शीशा में पीछे उधर देख करो, बस ये तीन लाइन है, समझ रहे बात करो, जो तेज चलना है उसको राइट राइट साइड में थर्ड लाइन है, ठीक है, जिसको स्लो चलना है जैसे ऑटो वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, ये फर्स्ट लाइन में, और हमको आराम से चलना है, जैसे मान लो ना हम तेज चल रहे हैं ना स्लो चल रहे हैं तो हम बीच में चलेंगे, ठीक है, ये फास्ट ट्रैक है राइट साइड में, और बहुत लोग क्या है राइट साइड में ही स्लो चलाते रहते हैं, बातें भी कर देते हैं और राइट साइड ही स्लो चलते रहते हैं, जिसको स्लो चलना है वो अपनी लेफ्ट लाइन में चलना चाहिए। अरे छोड़ो क्लच आओ और तीन नंबर गियर लगा लो, राइट मिरर देखो उधर कोई आ रहा है क्या, नहीं है ना, अब राइट साइड चले जाओ, जाओ धीरे धीरे, ये सामने फिर गोल चक्कर आ गया राउंड अबाउट, इससे सीधा ही जाएंगे, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ दो क्योंकि लाइट ग्रीन हो गई, गियर छोटा, दो नंबर गियर लगाओ, दो नंबर गियर डालो, या छोड़ो क्लच कर रहे दो, एक्सीलेटर रहे दो, ठीक है, सीधा जाएंगे, और टाइमर भी देखो ऊपर चल रहा है ना, राइट नीचे दो, ठीक है, अब राइट देखो, क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच दबा कर रखना, ठीक है। अब यहाँ से भी सीधा जाएंगे, बाइक वाले से भी बच के, ठीक है, लेफ्ट ऊपर दो क्योंकि ये फट से कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, घुस जाते हैं, लेफ्ट ऊपर दो, क्लच छोड़ो धीरे, क्लच छोड़ो, गलत आओ, गलत आओ, ये तो शीशा फोल्ड है, देख रहे हो ना, यहाँ लेफ्ट इंडर देखो, बहुत लोगों ने यहाँ इंडिकेटर नहीं दिया है, क्लच छोड़ो, लेफ्ट क्लच छोड़ दूंगे, हाँ, पर इंडिकेटर दे के चलने से क्या होता है कि अगर कोई पीछे से टच करेगा तो गलती उसकी होगी, भाई हमने इंडिकेटर भी दिया है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है पैदल चलने वाले के लिए, ठीक है, दोनों साल का रहे तो। अब यहाँ से हम जाएंगे, हो जाएंगे लेफ्ट, ठीक है, अब लेफ्ट मिरर देखो, क्लच छोड़ो दे दे, क्लच छोड़ो, अब यहाँ से लेफ्ट ऊपर दो इंडिकेटर, लेफ्ट ऊपर दो, अब जैसे देखो यहाँ हम एक बार रोकेंगे गाड़ी को, यहाँ स्टॉप लो, एक नंबर गियर लगाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, लेफ्ट लेके आगे कर दो, करो आगे, नहीं ये सेकंड गियर है, लेफ्ट लेके, हाँ ठीक है, ठीक है, और गियर देखते नहीं है, ठीक है, उधर राइट देखो, लेफ्ट देखो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे, क्लच छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उधर देखो, उधर देखो, तो ये इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, मुड़ो 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 मुड़ो, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगाओ, छोड़ो क्लच धीरे धीरे, अब हम गाड़ी को रोकेंगे, ठीक है, अब हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है, तो इंडिकेटर राइट नीचे दो, ये यहाँ पे रोकेंगे पार्किंग पे जाके, क्लच दबाओ पूरा,
पीछे शीशा में देखो कोई गाड़ी आएगा, पीछे शीशा में देख लिया, आगे देखो आगे बहुत दूर है वो, उधर जा रहा है ठीक है, रेस मत देना मोड़ से कभी, ठीक है थोड़ा इधर मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो, मोड़ो मोड़ो लेफ्ट मोड़ो, अब यहाँ मोड़ के राइट साइड, अब राइट ही लगाना है पूरा, राइट मोड़ो जल्दी जल्दी, राइट मोड़ मोड़ो मोड़ो बिल्कुल, रेस मत दो, क्लच छोड़ो, पार्किंग में रेस नहीं मारते हैं, क्लच छोड़ो सिर्फ क्लच से चल जाएगी, पहला का लगाओ फर्स्ट में लगाओ, गुड क्लच छोड़ो धीरे धीरे, अब सीधा करो हाथ को, सीधा करो सीधा करो सीधा करो और सीधा करो, क्लच ब्रेक न्यूट्रल करो, बीच में न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक ऊपर खींचो, ऐसे पकड़ खींचना, हाँ ठीक है, नहीं नहीं गलत गलत खींच रहे, छोड़ो उसको एक बार, हाथ हटाओ देखो, ये ऐसे पड़ के जैसे ये है ना, इसको ऐसे खींचना है, कुंडा दाब के जब डाउन करते तो नीचे करते, ठीक है ऊपर खींचो, गुड, अब ये अंगूठे से प्रेस कर दो इसको, नहीं 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 ये इसको ये बेल्ट प्रेस, ठीक है, और वहाँ चाबी पकड़ो, चाबी ऐसे पीछे की तरफ बंद कर दो, ठीक है, बाकी काम बढ़िया किए हो, थोड़ा सा ना बीच बीच में जब गियर डाल रहे थे ना आप, तो गियर की तरफ ध्यान आ जाता था, बाकी काम बहुत बढ़िया किए, क्योंकि पहले दिन के हिसाब से बिल्कुल ओके है, और फर्स्ट डे पूरा देखो लाइट है, गोल चेकर, ट्रैफिक में हमने गाड़ी चलवाया आपको, सारा ओके रहा, बस थोड़ी सी वही कमी है जो गियर देख रहे हो आप, ठीक है, तो बाकी क्लास में ना सारा क्लियर हो जाएगा आपका, तो ये हर किसी का रहता है, जो भी कोई नवा सीखने आता है तो जब गियर डालता है तो गियर ही देखने लगता है वो, हमारा मेन क्या होता है कि रोड पे देखना है कि नीचे का काम अंदाज से करना है, गियर गियर गलत डल जाएगा तो कोई बात नहीं है, मतलब गाड़ी बंद हो जाएगी, तो मेन चीज क्या है कि सामने रोड पे देखना, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में होगा, लेकिन अगर चलती रोड में मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी तो पीछे से कोई और भी तो मार देगा, हाँ हाँ ये भी अगर एकदम अचानक कहीं रोक देते हो या गाड़ी बंद हो जाए गियर डालने से, तो पीछे वाला एकदम बिल्कुल ठोक देगा, उस चीज का भी ध्यान रखना है,